Achievers Camp presents. Vocabulary word of 27 July. So let's understand the very first word for today. Despair. Despair is a noun which means the complete loss or absence of hope. मतलब आप बहुत ज़्यादा वो लूज कर चुके हो, आप उम्मीद भी खो चुके हो, तो आप उसको डिस्पेयर से डिफाइन करते हो. नेक्स्ट वर्ड इज जियोपार्डी. जियोपार्डी इज ऑल्सो अ नाउन विच मीन्स डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर. मतलब किसी भी चीज़ को खोने का या हार्मफुल होने का या फेल होने के डर को, डेंजर को हम जियो पाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वर्ड इज डायर. डायर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव विच मीन्स एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट ऑफ अ पुअर क्वालिटी. मैंने यहाँ पे ये दो अलग अलग मीनिंग है. आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियस या अर्जेंट काम को डिफाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ जो बहुत पुअर क्वालिटी की है उसको भी आप डायर से ही डिफाइन करते हैं. दिस वर्ड इज यूज ओनली इन नेगेटिव सेंस. नेक्स्ट इज एफ्लुएंट. बहुत इंपॉर्टेंट और इजी वर्ड है, बहुत लोग को इसका मतलब पता होगा. इट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स स्पेशली ऑफ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप और एरिया हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी वेल्दी. बहुत अमीर लोगों को आप एफ्लुएंट पर्सन से डिफाइन करते हो इन अ सिंपल लैंग्वेज. And the last word is perennial. Perennial is also an adjective which means lasting or existing of a long or apparently infinite time. ऐसी कोई चीज जो बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करती है, इनफाइनाइट टाइम तक एग्जिस्ट करती है, उसको हम perennial से डिफाइन करते हैं. इस वर्ड का जो एंटोनिम होता है उसको हम ephemeral कहते हैं. Ephemeral जो कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है. I hope the words are clear to everyone. Try to frame sentences from the words we have done today and comment us in the comment box. For more videos, like and subscribe to our channel. Thank you.